थाईलैंड में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। चाइनीज डोर से युवती की मौत मामले में ये कार्रवाई की गई है। चाइनीज डोर बेचने वाले व्यक्ति का अवैध मकान तोड़ दिया गया है। महाकाल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें, कल ही सीएम ने ट्वीट कर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। चाइनीज डोर से युवती की मौत मामले में कार्रवाई की गई है। बता दें, चाइनीज डोर बेचने वाले व्यक्ति का अवैध मकान तोड़ दिया गया है। कल ही सीएम ने निर्देश भी दिए थे। उज्जैन में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। युवती की मौत के बाद बड़ी कार्रवाई हुई है। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट भी किया कि मैं प्रदेश के समस्त जिला प्रशासन को कड़े निर्देश दे रहा हूं कि इस तरह के जो खतरनाक मांझे बाजार में बिक रहे हैं उनकी जांच की जाए और उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ट्वीट कर बड़ी कार्रवाई के आदेश दिए थे। बता दें, अवैध मकान तोड़ दिया गया है। उज्जैन प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। युवती के मौत के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी ट्वीट कर दुख जताया था। मुंगेली से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जहां शराब दुकान में तोड़फोड़ हुई है। बदमाशों ने शराब दुकान में तोड़फोड़ की है। लॉकर में रखे करीब 9 लाख रुपए लेकर फरार हो गए हैं सभी बदमाश। बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीम जुट गई है। बता दें, बदमाशों ने शराब की दुकान तोड़ दी है, उसमें तोड़फोड़ मचा दी है। तोड़फोड़ के बाद बदमाशों ने 9 लाख रुपये भी ले लिए हैं और पैसे लेकर सभी बदमाश जो हैं फरार हो गए हैं। लेकिन बदमाशों की तलाश में पुलिस की टीम जो है वो जुट गई है।